आज अहमदाबाद में भी कई इलाकों से मजदूरों को यूपी और बिहार के लिए ट्रेन के द्वारा रवाना किया गया। इसी बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म दिखाई दिया। अफवाहों के बाजार ने इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल करके और यूपी बिहार के लिए पैदल ही चलना शुरू कर दिया। इसी बीच अहमदाबाद के वटवा रिंग रोड के पास में वटवा के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इन मजदूरों को समझाया कि आप लोगों को जाने की अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी, तो कृपया करके आप जो हैं वो पैदल ना चलें, और उनको समझा करके वहीं पर रोक दिया गया और उनको जाने के लिए यूपी बिहार जाने के लिए व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया गया। देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। के लिए यहाँ पर गुजरात में जो है, अभी हम फिलहाल अहमदाबाद के वटवा इलाके में है, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से दिहाड़ी मजदूर जो है वो पैदल चल के रेलवे स्टेशन या बस जहाँ से यूपी भेजने का जो पूरा सरकार का एक जिम्मा है वहाँ तक वो पैदल चल करके पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे पीछे आप काफ़ी जो है वो भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो पैदल चल करके आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात देखी गई वटवा बीजेपी के लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा, प्रदीप सिंह जाडेजा गृह मंत्री का ये पूरा विस्तार है। प्रदीप सिंह जाडेजा के इस गृह मंत्री विस्तार में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर दिखाई। आपको बता दें यहाँ पर जितने भी दिहाड़ी मजदूर आ रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना भी यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया। एक अच्छी पहल जो है, मानवता की पहल एक अच्छी देखी गई यहाँ पर वटवा इलाके में। 3 दिन से हो गया सर। 3 दिन से तो बच्चे भी, छोटे बच्चे भी साथ में, आपको डर नहीं लगता है? अब क्या करेंगे, अब निकले मजबूरी से अपना। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? सूरत से आए हैं। सूरत से पैदल आ गए? हाँ पैदल आए। ये कितने साल की बच्ची है आपकी? ये 3 साल की। 3 साल की बच्ची को लेकर के आप अहमदाबाद सूरत से पैदल आए? हाँ। और आपको जाना कहाँ है? हमको यूपी जाना है। यूपी जाना है? यूपी कहाँ पर? ये यहाँ पे पड़ता है उरई। चित्रकूट जाएंगे। चित्रकूट? हाँ। कहाँ से निकले आप लोग? हम लोग यहाँ बावला से। बावला से? हाँ ठीक है। निकले हैं कुछ से? बावला से। कुछ खाने पीने का नहीं है वहाँ भी कोई? पर अभी तो व्यवस्था करवा रहे हैं ना ये बीजेपी की जो टीम है वटवा। हाँ तो आप लोग बोल रहे हैं कि वापस जाने के लिए, पर वापस वहाँ तो कुछ भी नहीं है अपना। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो वटवा के जो लोग हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने कुछ व्यवस्था की है आप लोगों को? हाँ तो आपसे यही उम्मीद रख रहे हैं कि हमें आप किसी तरह आप हमें अपना गाँव भेज दीजिए। आप कहाँ जाना है आपको? सर हमको इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद जाना है जी। कहाँ से आप? जी हम नारोल से हैं, वैशाली नगर। नारोल वैशाली नगर? हाँ। आप अकेले हैं? नहीं सब लोग हैं। कितने लोग हैं? कम से कम 40 लोग हैं साथ। 40-50 लोग नारोल से। 40-45 लोग? हाँ सर। आप लोग कब निकले? सर हम लोग दोपहर में 11 बजे निकले। तो आप लोग को पता कैसे चला कि यहाँ पे मतलब इस तरह से भेजा जा रहा है? सर हम लोगों को ऐसा पता चला कि मैं गया वहाँ पे, क्या बोलते हैं, पिपलेज, वहाँ से बसें जा रही थी, तो हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोगों को पहले तो मार के भगा दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ से बस आई, हम लोग गए तो वो बस में चढ़ा के उनको निकाल दिए। हम लोग रह गए तो वहाँ पे हम लोग पूछने गए तो ये बताया कि यहाँ पे आना है बटवा, यहाँ पे बस आ रही है। यहाँ पर एक नया जो है बटवा जो रिंग रोड का इलाका है यहाँ पर देखने को मिला कि सूरत से अहमदाबाद लोग आ रहे हैं यहाँ पर ट्रेन की, जो एक बोलते हैं ना कि वायरल मैसेज, कहीं ना कहीं गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर लोग आकर के अभी स्टे किए हैं कि भाई यहाँ से जो है वो इनको यूपी और बिहार भेजा जाएगा। आइए बात करते हैं कि भाई कितने लोगों का झुंड है वो सूरत से अहमदाबाद आया है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं और किस तरीके से? सूरत से तो साई नगर पांडेसरा से आ रहे हैं। पांडेसरा से? हाँ पांडेसरा से। तो सूरत से भी से तो गाड़ियाँ अभी चालू हो रही हैं आज से? तो लेकिन पहले से भी चालू है 27 तारीख से, लेकिन तो 3,000-2,500 मांग रहे थे, कहाँ से हम दे पाए? हमारे पास इतना कमाई नहीं, 10 दिन ड्यूटी की है, उसके बाद 40 दिन तो बैठ के खाए हैं। कोरोना वायरस से आपको डर नहीं लग रहा आप लोग एकदम? कोरोना नहीं, नहीं दूर दूर से कैपेसिटी बना के चल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ अपना बचाव करके आराम से आप सूरत से आप लोग अहमदाबाद आ गए? हाँ।
और फिर यहाँ से आप कैसे जाएंगे? अब वही हाईवे पकड़ के जाएंगे पैदल ही। जाना है आपको? हमको इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद जाना है? हाँ। आपको किसने बताया कि भाई अहमदाबाद से गाड़ियाँ मिलेंगी या इस तरीके से? तो गाड़ियाँ तो हमको कहीं से भी नहीं मिल रहा साहब, हम तो हर जगह से पैदल ही आ रहे हैं। थोड़ा हाथ देते हैं तो गाड़ी वाले जल्दी रोकते नहीं, कोई रोकता भी है तो 1-2 किलोमीटर छोड़ के उसके बाद उतार देता है। आप लोगों के साथ में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो आपको कम से कम सोचना चाहिए कि भाई कितने दिन से आप लोग निकले हैं? 3 दिन हो गया साहब। 3 दिन से पैदल चल पैदल ही चल रहे हैं। पैदल चल के आप लोग अहमदाबाद अभी पहुंचे हैं? हाँ साहब। मेरे जिस तरह से आपने बात की, यहाँ पर ये लोग 3 दिन से पैदल जो है सूरत से अहमदाबाद तक चल के आ गए हैं और यहाँ पर अहमदाबाद में वटवा इलाके में रुके हुए। यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने अच्छी जो पहल निकाली इन लोगों को स्टे करके और इन लोगों को भोजन वोजन करा करके इनको समझाने का एक प्रयास किया गया है या इन लोगों के लिए कुछ नई व्यवस्था की जाएगी यूपी और बिहार भेजने के लिए? आज इतने जो पर प्रांतीय सरकार ने जो निर्णय लिया है कि पर प्रांतियों को उनके वतन में जाना जाने के लिए जो व्यवस्था की है, माननीय प्रदीप सिंह जाडेजा सर और राज्य के गृह मंत्री और सरकार ने जो भी ये निर्णय लिया हुआ है कि भाई जो पर प्रांतीय उनको भेजना है उसी उसके लिए पूरा यहाँ ये सब सेवा कार्य वटवा वार्ड के द्वारा रामोण आथिजन लांबा की तरफ से पूरी गाड़ियाँ साबरमती भेजी जा रही है बस भर भर के। ऐसा है अभी तक भेजी गई? अभी 14 गाड़ियाँ भेजी गई है वटवा वार्ड से और एक ट्रेन उधर साबरमती से, एक ट्रेन साबरमती से जाने वाली है यूपी के लिए। ठीक है, यानी बटवा बोर्ड से जो है यहाँ पर 12 गाड़ियाँ भेजी गई साबरमती रेलवे स्टेशन पर, फिर वहाँ से यूपी जा रही है सर? हाँ, पूरी यहाँ से साबरमती जाएंगे, साबरमती से यूपी के लिए रवाना होगी। यहाँ पर जो है दिहाड़ी मजदूरों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं, किस तरह से पैदल चल करके ये ट्रेन और बसों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जो जिले हैं, जैसे कि 100 या 150 किलोमीटर दूर तक पैदल यात्रा करके भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर गृह मंत्री के इलाके में आ करके इस तरह से मेरे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ से यूपी भेजने के लिए इनके लिए व्यवस्था की जा रही है। तेरह 14 आदमी का एक ही साइकिल के ऊपर आपने जो है वो पूरा सामान लाद दिया है, क्या करो साहब? छोटे बच्चे भी लेके आदमी चल रहे हैं आदमी। और बार खाना वाना खाया आप लोगों ने सुबह से? खाना कहाँ खाया सर, सुबह से खाना वगैरह नहीं खाया? नहीं खाया। तो आप लोग को क्या लग रहा है सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं आप लोग? सरकार से गुहार ये लगाना चाहते हैं साहब कि हम लोग अपने देश पहुंच जाए बस, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है हमसे, कोई रिक्वेस्ट नहीं है ना कोई चीज का दिक्कत। कितने दिन से आप लोग सूरत में रह रहे थे? सूरत में तो हम काफी दिन से रहते थे लेकिन अभी फिलहाल गांव से गए थे 10 दिन हुआ। तो जिसके यहाँ पे काम वगैरह कर रहे थे उन लोगों ने आपने की मदद नहीं की? नहीं, वो सब तो 1500 रुपए खर्चा देते थे, 1500 रुपए 2000 देंगे उसमें 15 दिन खर्चा चलाने में लॉकडाउन में कितना दिक्कत होता है। और 1 रुपए कोई खाना पीना अलग तो देगा नहीं, खाली वही देते हैं, बाकी पेंटिंग खाता वाले होते हैं तो देते हैं, हम तो संचय वाले हैं, हमको तो कुछ मिलता नहीं ज़्यादा। अभी नया नया काम सीख के बैठा हूँ साहब। और आप लोगों के साथ कितने लोग हैं अभी? अभी तो हम सब 14-15 आदमी है साहब। 14-15 लोग? हाँ सब। आप लोगों के पास कुछ ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ है कि जिस तरीके से? नहीं, आधार कार्ड उधार कार्ड सब कुछ हमारे साथ पास है, ऐसा बात नहीं है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। तो आप लोग वहाँ से सूरत से पूरा अपना सामान वगैरह पैक करके और निकल पड़े हैं? तो निकलना पड़ेगा ना साहब, नहीं निकलेंगे तो यहाँ भूखा मरने से अच्छा है अपने गांव कैसे भी पहुँच जाऊँ। तो पर अगर कोरोना वायरस का अगर संक्रमण जरा भी अगर आप लोगों में दिखाई दिया तो उसका कुछ आप लोगों को चिंता नहीं साहब? कोरोना या तो कोरोना से मरूँ या तो भूख से मरूँ, दो में से एक ही से मरूंगा ना, या तो कोरोना से मार दो या तो फिर भूख से मर जाऊँ। ऐसे अच्छा यहाँ रहूँगा तो भूख से मरूंगा, वहाँ जाऊँगा तो कोरोना से, ऐसे अच्छा कोरोना आए या तो भूख, दो में देखना पड़ेगा ना। बहुत परिवार है सर साथ में, इसीलिए हमको ज्यादा टेंशन होता है कि हम परिवार अपना शिफ्ट करके ने पहुंचा दिया। कोई पे कोई का यहाँ पे जिसको यहाँ पे है उसको भी दिक्कत है, कमाए बीवी बच्चों को तकलीफ होगा, जिसका गांव में उसको भी तकलीफ है। ऐसे हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं खाली इतना, हमको सबको गाड़ी मिली है कैसे सुविधा, हम सब अपने गाँव पहुँच जाए बस, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार हमको खाली गाड़ी मिल जाए, हम सब कैसे भी चले जाए। हम लोग का जैसे सर रूम पे रहने और खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग के ठेकेदार जो राजस्थान के थे, राजस्थान वो लोग चले गए हैं, फ़ोन लगाने फ़ोन लगता नहीं है। तो हम लोग जैसे हम लोग यहाँ निकले थे, बस हम लोग को पिपलेज में जैसे बस आई थी, आज 50-52 बस आई थी, तो बस वाले से हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ से जब
बस ख़त्म हो गई तो हम लोग को बोले कि यहाँ से रिंग रोड चले जाओ, बटवा रिंग रोड, वहाँ पे जो है तुम लोग को बस मिल जाएगा। हम लोग यहाँ आए बस के लिए, आपकी सहायता के लिए बटवा के बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग भी आपको खाना वगैरह मुहैया कराए आपको? हाँ, ये साहब लोग हम लोग को खाना खिलाए, बिस्किट भी खिलाए, पानी भी पिलाए। अब साहब बोले तो साहब बोले कि अगर ऐसा हो, मैं साहब से यही बोल रहा हूँ कि अगर हो सके तो आप आगे बात कर लो, हम लोग तो रात भर यहीं रुकते हैं, अगर कल जाने लोग का हम लोग का कल जाने की व्यवस्था हो जावे तो हम लोग यहाँ रात भर रुकते हैं, रूम पे भी जाने से कोई मतलब नहीं, खाने होने रुकने की व्यवस्था नहीं। आप खेतों में किस तरह से रहेंगे, क्या करेंगे साहब? रात काट लेंगे साहब, रूम पे जाएंगे, खाने का तो कोई व्यवस्था है नहीं। एक बार खाने का रहने का व्यवस्था होता तो हम लोग रूम पे जा सकते थे, इसके लिए सोच रहे हैं। अगर हो जावे तो हम लोग रात भर इतने भी जाएंगे, क्या करेंगे, फिर सुबह अगर व्यवस्था लोग कर देंगे तो अपने लोग रुकते हैं रात में, ये खेतर में सोएंगे नहीं तो रोड पे सोएंगे, इधर आजू बाजू सोएंगे और क्या करेंगे। सुबह से जो है अहमदाबाद में बटवा इलाके में बटवा बोर्ड से लगभग 12 बसें जो हैं वो भेजी गई अहमदाबाद साबरमती रेलवे स्टेशन, और वहाँ से जो है यूपी बिहार के लिए अपनी व्यवस्था बना करके जो है सरकार ने एक व्यवस्था बना करके इन जो दिहाड़ी मजदूरों को है उन लोगों को भेजा गया। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में जिस तरह से तेज़ी से फैली, उस तरह से जहां भी जिस तरह से लोगों को जाना था अब वो लोग पैदल निकल चुके हैं रात्रि के दौरान, दिन में रात में, यानी जैसे उन लोगों को खबर ये मिली वैसे वैसे मजदूर जो हैं अपने अपने घरों से बाहर निकल करके और रोड पर सड़कों पर आ चुके हैं, ये उम्मीद में कि अब हमें भी जो है यूपी बिहार जो है वो जाने को मिल सकेगा या हम जा सकेंगे। कैमरामैन बिजेंद्र पासी के साथ रिपोर्टर रजनीश राय, रॉयल गुजरात न्यूज़, वटवा अहमदाबाद।